तो आज हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एसी के कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना कि स्प्लिट एसी के आउटडोर में जो कंप्रेसर लगा होता है इस कंप्रेसर का प्रेशर किस तरीके से चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है प्रेशर गेज और दूसरा है चार्जिंग पाइप। प्रेशर गेज और चार्जिंग पाइप के जरिए से आप इस कंप्रेसर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि ये कंप्रेसर का प्रेशर सही है या फिर लो हो चुका है, कम हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए हमारे पास ये गेज है और यहाँ पे एक लगाएंगे हम लोग चार्जिंग पाइप। तो हमेशा चार्जिंग पाइप को जब भी कंप्रेसर का प्रेशर चेक करेंगे तो ये गेज के नीचे वाले पॉइंट पे ही लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो प्रेशर चेक नहीं हो पाएगा। तो ये दोस्तों आउटपुट लाइन है, तो ये दोस्तों आउटपुट लाइन है और ये नीचे वाली जो होती है ये इनपुट लाइन है। तो हमेशा इनपुट लाइन पे ही पाइप को लगाएंगे, आउटपुट लाइन पे पाइप नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे चलिए हम एसी कर लेते हैं स्टार्ट, मतलब कि जब एसी स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्रेसर भी स्टार्ट ही हो जाएगा। तो चलिए हमारी एसी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा कंप्रेसर चल रहा है। और जब ये कंप्रेसर चलेगा दोस्तों तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो हमारा सक्शन लाइन है यहाँ से ये हवा को खींचेगा कंप्रेसर, और हवा खींच करके डिस्चार्ज लाइन से हवा को बाहर फेंकेगा। सक्शन लाइन से खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक रहा है, मतलब ये देखिए सक्शन वाल्व है और ये डिस्चार्ज वाल्व है। यहाँ से जब ये कंप्रेसर हमारा ऑन रहेगा, मतलब एसी ऑन रहेगी और यहाँ पे कोई पाइप नहीं जुड़ी है अभी, तो यहाँ पे क्या हवा को खींच रहा है और यहाँ से हवा को फेंक रहा है। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो हमारी चार्जिंग पाइप है ना इसी को ला करके पहले इसको हम क्या करेंगे ऑन रखेंगे, क्या करेंगे गेज के हैंडल को ऑन ही रहने देंगे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारी चार्जिंग पाइप है इसको ला करके इसके डिस्चार्ज लाइन पे कस देंगे। और इसके डिस्चार्ज लाइन पे कसने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन पे कस दिए, तब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए हवा को खींच रहा है और यहाँ से धीरे 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 यहाँ से क्या कर रहा है यहाँ पे आते हुए ये हवा हमारी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। अभी हमारी ये जो गेज की सुई है ये ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि अभी हमारे गेज का हैंडल जो है ये ऑन है। ऑन होने की वजह से यहाँ से ये गैस हवा को खींच रहा है और यहाँ डिस्चार्ज लाइन से फेंक रहा है, तो गेज के जरिए से इस लाइन से बाहर निकल जा रहा है। अब तुरंत ही हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस पाइप को जोड़ लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ऑफ, हैंडल को कर देंगे बंद। और जैसे ही हैंडल दोस्तों यहाँ पे बंद होगा तो ये लाइन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी आउटपुट लाइन, और फिर ये जो हमारा प्रेशर है ये जाएगा सीधा सुई की तरफ, गेज की तरफ। जब ये गेज की तरफ प्रेशर जाएगा इसकी सुई धीरे धीरे जीरो से उठकर कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी। तो हमें कितने पे प्रेशर चेक करना है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ये हमारा कंप्रेशर है ना, ये कंप्रेसर कंडेंसर पर भी जुड़ा है, फिल्टर पर भी है, कैथरी पे है, मतलब सारी पाइपों पे ये जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 250 मतलब 200 से 250 या 300 PSI तक इस सुई जब चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, मतलब कि देखिए यहाँ प्रेशर जा रहा है और ये सुई ऊपर जाते जाते जब 250 पे आ जाएगी तो तुरंत हम लोग दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे एसी को कर देंगे ऑफ। एसी जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, वो है इसकी सुई। अब देखिए इसकी सुई अगर बहुत तेज़ी से डाउन होती है तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। जब ये तेज़ी से डाउन होगा तो यहाँ से आपको धुआं धुआं टाइप का दिखेगा, मतलब यहाँ से प्रेशर बाहर निकलते हुए दिखेगा, तो इसका मतलब इस कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर इसका जो सुई है प्रेशर गेज की जो सुई है वो धीरे 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 डाउन हो रही है, मतलब धीरे धीरे नीचे आ रही है बंद करने के बाद एसी को, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे कंप्रेसर का प्रेशर 100% तरीके से ये सही है, ये परफेक्ट काम करेगा, इसका प्रेशर जो है ये 100% सही है। मतलब कि हमारी सुई धीरे धीरे अगर डाउन होती है, धीरे 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 नीचे आती है, तो इसका मतलब ये हमारे कंप्रेसर का प्रेशर सही है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने कंप्रेसर के प्रेशर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ क्लियरली, देखिए अगर आप इस कंप्रेसर को बाहर निकाल के चेक करते हैं या इस कंडेंसर को अलग करते हैं डिस्चार्ज लाइन पर लगा कर गेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप 400 450 PSI तक भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, मतलब कि पूरे सिस्टम में लगा करके यहाँ से चेक करते हैं डिस्चार्ज वाल्व की जगह से, तो यहाँ पे आपको 250 से 300 PSI ही प्रेशर डालना है, उसके बाद उसी पे आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे भी 100% क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे भी 100% क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आप यहीं से चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर यहाँ पर मोटी पाइप होती है, पतली पाइप लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर नार भी लगाना पड़ेगा, फिर इसको कसना पड़ेगा, काफी ज्यादा बवाल वहां पे हो जाता है, इसलिए यहीं से आपको चेक कर लेना है। 250 से 300 PSI प्रेशर आ जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता है, तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 100% तरीके से सही है। तो
तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग अपने कंप्रेसर के प्रेशर को इजीली चेक कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से कंप्रेसर के प्रेशर को चेक किया करिए। तो बस आज के लिए इतना ही।